हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ब्रिटानिया ब्रिटानिया का शेयर, और बात करता हूँ मैं अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर। आज की डेट 22 अगस्त 2019, आज की डेट में अगर आप देखें, इन दोनों शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और मार्केट धड़ाम हो गई थी पूरी। मतलब 600 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिर गया, 170 180 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर गया, लेकिन ये शेयर की मतलब बढ़िया जंप ऐसे गिरे हुए मार्केट में, चैंपियन शेयर आज की डेट के। नो डाउट दोनों एफएमसीजी सेक्टर के रिस्क फ्री बढ़िया शेयर, जबरदस्त शेयर मैं कहूंगा इनको, चैंपियन शेयर मैं कहूंगा इनको। लेकिन आज की डेट में तो बढ़िया बादशाहत इन्होंने दिखाई। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 60 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ है, और आज का अगर देखें 177 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ। बहुत ही बढ़िया भाई, ऐसा क्या। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है ब्रिटानिया से, वो खबर ये है कि जो स्लो डाउन है, जो यहाँ पे स्लो ग्रोथ चल रही है, उसको मेंटेन करने के लिए ब्रिटानिया ने अपने कुछ जो प्राइसेज हैं वहाँ पे इंक्रीज करने की सोची है, ताकि प्रॉफिट में कमी ना आए। चलिए बढ़िया बात है भाई, कुछ तरीके से तो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कम चीज़ें बिक रही है तो हल्का सा प्राइस में इंक्रीज करके ही सही। तो अब देखिए ये ब्रिटानिया का शेयर 58,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2400 का प्राइस आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त डेट फ्री शेयर और सेल्स ग्रोथ बढ़िया, मतलब बहुत स्ट्रांग शेयर है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये शेयर बिल्कुल निचले लेवल पर आ गया था, और ये बाइंग रेंज जो इसने लो बनाया था, देखिए 2300 की रेंज पर आ चुका था, और वो बढ़िया बाइंग रेंज थी। वहाँ से ये देखिए बहुत ही बड़ा जंप मैं कहूँगा, यहाँ जो इसने लो बनाया है 2300 के आसपास का, और ये इस सपोर्ट लेवल को टच करके बहुत स्पीड से ऊपर गया। मतलब अब ये स्टॉक में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ट्रेंड लाइन थी, जैसे कि मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके पास कहीं आके टच करके वापस जाएगा, और वापस बिल्कुल उसी से ही वापस जा रहे हैं। देखिए अब मुझे लगता है कि स्टॉक में एक रैली आने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत टाइम है। अब ये वापस इसने रिकवरी कर दी है, दिखा दी है, ओवरसोल्ड पोजिशन से ऊपर जा चुका है। फिलहाल अगले वीक ये जो बड़ी बड़ी ये जो आपको हैमर पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा है, मुझे लगता है कि कल की डेट में ये थोड़ा और ऊपर बंद होगा, ताकि परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंडिसीजन वाला, ताकि अगले वीक आपको देखने को मिलेगा क्या कि शेयर में कुछ तो जंप है। लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा जो आपका ये जंप है वो रजिस्टर कर सकता है यहाँ पे 2600 की रेंज में, या फिर ये जो ऊपर की जो डाउन ट्रेंड की लाइन है ये 2700-2800 की रेंज में आपको रोक, इसका रथ रुक सकता है यहाँ पे इस अप ट्रेंड का। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन दो लाइंस को आप क्लियरली देखिए, क्योंकि ये पूरा पुराना सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर आप यहाँ पे फोकस रखना है आपको। ये था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का शेयर, साथ में आप देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, उसने भी आज की डेट में अच्छा उछाल देखने को मिला, स्टॉक ने नया हाई बनाया, 1872 की रेंज में पहुंच चुका है ये शेयर। जब ये शेयर गिरता है तो भाई बहुत बढ़िया, 10-20% कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़बरदस्त शेयर है, नो डाउट। फिलहाल अगर मैं देखूँ आज की डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ के पार जा चुका है, 1872 का प्राइस हो चुका है, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, डेट फ्री शेयर है, कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न, इक्विटी पर रिटर्न, हर तरीके से बेहतर कमाई आपको करके देता है। अगर आप चार्ट देखते हो तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है। अगर यहां से ये टॉप मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आ चुका है, अब ये शेयर कुछ दिन रैली कर सकता है, अगर यहां से नीचे नहीं आया तो ये रैली के पूरे पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम पे। अब ये स्टॉक ने अपनी जो ये लाइन थी जहां पे उम्मीद थी कि यहां से नीचे आ सकता है, लेकिन वहां से पार गया है, और 1860 की पुरानी ये लाइन है, अभी की लाइन ये देखिए पुरानी लाइन है, पुराना रेजिस्टेंस यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस मिला है, और तीसरी बार इस लाइन को पार करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। कल फ्राइडे और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस ब्रेकआउट कहाँ तक इसको लेके जाता है। तो अभी हमने दो शेयर डिस्कस किए, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप खुद देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड पे है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरा रिकवरी, कहाँ से इसने रिकवरी दिखाई है, ट्रेंड लाइन से, जो ट्रेंड लाइन थी 1700 से यहाँ 1900 के लेवल पे पहुंचना अपने आप में मुझे लगता है कि 200 रुपये पर शेयर की सीधे सीधे कमाई इसने करके आपको दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।